Assalamualaikum everyone and welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House. This program is for you guys to take the inspiration from the top entrepreneurs of Pakistan. Today, I'm in Islamabad and sitting in AWT Tower with Sajjad Anwar, who is the Chief Executive Officer for AWT Investment. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaise hain aap? All well, alhamdulillah. Aap kaise hain? Allah ka bahut shukar. A brief introduction about Sajjad saab is that he's passionate about Islamic finance. Because of him, he have done lots of revolution in so many companies and bringing Islamic Sharia into their agenda and portfolio. Iski wajah se AWT ki 20 companies mein hum jald hi Islamic Sharia dekhenge. Am I right? Ji, inshallah, bilkul. Hum logon ne jaise aapne mention kiya hai intro mein ki AWT Investments के अंदर भी हम शरिया कंप्लायंट फंड्स ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आपने जो सेविंग्स हैं उसको आप रिटर्न भी हैंडसम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और वाइल लिविंग इन द शरिया कंप्लायंस. तो हलाल मुनाफा और अट्रैक्टिव मुनाफा, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इस्लामिक फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, बल्कि हम प्रॉफिट भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिबा फ्री भी है. सजाद साहब, जितना मुझे आपके बारे में पता है, मैंने सुना है ये इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक शरिया आप खाते पीते उठते बैठते सोते जागते करते, इज दैट राइट? देखिए, दीन जो है ना वो सिर्फ मस्जिद तक तो नहीं है. आपकी डीलिंग्स जो हैं, आपकी जो माशियात की है अगर आप कहें, तो उसके अंदर भी आप जैसे आप कमाते कैसे हैं तो वो भी शरिया कंप्लायंट होना चाहिए. तो बिल्कुल दीन इसको, यानी दुनिया और दीन को सेपरेट चीज़ें नहीं है मेरे लिहाज से. आपकी लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, आप अपनी कमाते कैसे हैं, यानी कारोबार कैसे करते हैं, तो मेरे नज़दीक जो है ना, आप हमने उसके दीन को एक लिमिटेड हमें तस्वर के साथ देखते हैं कि जिस दीन जो है ना वो मस्जिद है, नमाज पढ़ ली या रोज़ा रख लिया या हज कर लिया तो दीन है. आई थिंक आप जो है आपकी जो जो कारोबार के अंदर आपकी लोगों के साथ जो ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, तो ये अगर आप इसको दीन के लिहाज से, आप अपने वालदैन के हकूक हैं, आपके बच्चों के हकूक हैं, आपके बीवी के हकूक हैं, आपके रिश्तेदारों के हकूक हैं, इसी तरह से आपके पड़ोसी के हकूक हैं, तो देखें इस्लाम से ज़्यादा तो कोई खूबसूरत मज़हब नहीं है. तो इसी तरह से आपकी जो माशी जो जो डीलिंग है, जो आप कमाई कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कि कारोबार में, आज हमने कारोबार में तो दीन को समझते नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपकी उसके अंदर भी दीन के असूलों के मुताबिक आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ग्रो भी करेंगे. और मैं तो अपनी ज़िंदगी से मैं कहता हूँ कि हमने इस्लामिक जब हमने फ़ंड लॉन्च किए यहाँ पर और मैनेज करने शुरू किए और उसको पिच किया है, तो जो लोगों की भी, चूँकि देखें पाकिस्तान की एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, और लोग अगर आप नमाज भी नहीं पढ़ते लेकिन सूद के मामले में दे आर वेरी पर्टिकुलर. ये मेरा अगला सवाल होने वाला था. मैं बल्कि इसको अपनी तरीके से आपसे पूछना चाहूंगी. आपने इस्लाम की बात की और अगली बात ही आप करते हैं इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर रिटर्न की, ये क्या बात, ये खुला तजाद नहीं? नहीं, देखिए अगर ऐसा नहीं है कि इस्लाम में कारोबार तो हमारे सहाबा भी करते थे, ठीक है, तो कारोबार तो बिल्कुल जायज़ है और कारोबार के ऊपर मुनाफा कमाना भी बिल्कुल जायज़ है, प्रोवाइडेड के आप जो कारोबार कर रहे हैं वो शरीय उसूलों के मुताबिक हो. तो अब देखें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं और वो जो है ना वो शरिया कंप्लायंट काम करते हैं. मैं एग्जांपल आपको दूंगा, मिज़ान बैंक की एग्जांपल लेते हैं. अब जो मिज़ान बैंक है, आप पिछले 10-20 साल के अंदर जो ग्रोथ मैंने इसकी जर्नी देखी है, इसकी सक्सेस की जर्नी देखी है, जो कन्वेंशनल बैंक्स को इसने बीट कर दिया, इस साल में मिज़ान बैंक वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इन द कंट्री, जिन्होंने बड़े बड़े बैंकों को जो है ना, हालांकि आप पता कि जब हम पाकिस्तान के अंदर जिस स्टेज में अभी हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस्लामिक में कम हैं कम्पेयर विद द कन्वेंशनल जो रिबा बेस्ड हैं, तो लेकिन बैंक ने जब ये कदम उठाया, फैसल बैंक फुली कन्वर्ट हुआ इस्लामिक के अंदर, तो आप देखें उनकी अनस्टॉपेबल ग्रोथ है. और भी हम एंटरप्रेन्योर को देखते हैं वो जो कि सिर्फ इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, उनकी ग्रोथ दूसरे लोगों से ज़्यादा है. तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अगर आप इस्लामिक में हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं. तो देखें जी, तो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है, नॉट ओनली कि आप प्रॉफिट मिलता है बल्कि इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस्लामिक फाइनेंस की वो ज़्यादा होती है. मगर सूद का मतलब है आपने एक रकम रखी और कुछ किए बगैर उसके ऊपर से मुनाफा खाया,
तो क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न इसमें, मतलब ये एक, और इस्लामी शरिया फाइनेंस में क्या फर्क हुआ? आप भी तो पैसा लेते, एक वक्त तक अपने पास रखते हैं, और जिसने पैसा दिया है वो कुछ किए बगैर उसका मुनाफा खा लेता है, तो क्या वो सूद नहीं? देखें बिल्कुल आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, देखें ऐसा ये है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट है या वो नहीं है, रिटर्न तो दोनों में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस्लामिक फाइनेंस में इन्वेस्ट करें अगर रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब वो इस्लामिक नहीं है, और अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब इस्लामिक है, ऐसा नहीं है। देखिए जब आप इन्वेस्टर हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करता है, फंड के अंदर पूल ऑफ मनी आती है, उस पूल को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो जनरेट करता है रिटर्न। अगर आप वो इस्लामिक वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस्लामिक वे क्या है? देखिए इस्लामिक वे यही है कि आप एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग होनी चाहिए। जब हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो मुशारका बेस्ड या डिमिशिंग मुशारका बेस्ड सकूक में आप इन्वेस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट में, या आप जी ओ पी ज़ारा सकूक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगर जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अगर इस्लामिक होगा, लॉस एंड प्रॉफिट बेसिस के ऊपर होगा, मतलब जिस कंपनी के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो इस्लामी तरीकों से उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है तो फिर हम लोग सूद नहीं ले। जी देखिए वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शरिया कंप्लायंट होना चाहिए, वो शरिया कंप्लायंट होना चाहिए जी, चाहे वो कहीं भी हो। जी देखिए वो शरिया कंप्लायंट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो, और दूसरा यह है कि जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रही हो जो कि शरिया नॉन कंप्लायंट हो, ठीक है। हम कमर्शियल बैंक के अंदर, जैसे वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल बैंक जो कि रिवा बेस्ड अगर कोई है वहाँ हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह टोबैको कंपनी के अंदर हमें अलाउ नहीं है, इंश्योरेंस, मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम अलाउ नहीं करता तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। मगर जैसे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, या किसी भी ऐसे टाइप चीज में इन्वेस्ट कर लिया, अगर देखा जाए तो जब हम प्लॉट खरीदते हैं, रियल स्टेट खरीदते हैं, तो वो भी तो हम एक एसेट ही खरीदते हैं और कुछ नहीं करते और कुछ अर्से बाद उससे मुनाफा कमाते हैं, मगर वो सूद कंसिडर नहीं होता। तो क्या इस्लामिक शरिया इसी असूलों के ऊपर है? जी देखें बिल्कुल आपने सही किया कि जो एक तो एक्टिविटीज जो होनी चाहिए वो इस्लामिक होनी चाहिए। मैं आपको स्टॉक फंड की जैसे एग्जाम्पल दूँ कि हमारे जो शरिया कंप्लायंट स्टॉक फंड है, इक्विटी स्टॉक फंड, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कि शरिया कंप्लायंट हैं और सर्टन क्राइटेरिया को वो मीट करती हैं, ठीक है। उस कंपनी के अंदर डेट की रेशियो है कि ये इससे ज़्यादा डेट नहीं होनी चाहिए, उसकी जो रिटर्न आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो 5% से ज़्यादा उसका शरिया नॉन कंप्लायंस नहीं आना चाहिए। आप 5% अगर से 4% उसका है तो जो भी रेशियो होगी उस हिसाब से जो डिविडेंड आएगा उसको प्योरीफाई किया जाएगा। से 4% है रेवेन्यू का पार्ट है जो कि नॉन कंप्लायंट से आया है, तो जितना डिविडेंड आएगा उसका 4% हमें चैरिटी करना पड़ेगी। सो दिस इज हाउ वी प्योरीफाई। तो एक तो यह कि कंपनी का मेन कोर बिजनेस इस्लामिक होना चाहिए, फिर कहीं वो लेवरेज कंपनी ने उसने डेट ना लिया हो, फिर उसका जो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन आ रही है फ्रेम शरिया नॉन कंप्लायंट, उस परसेंटेज के हिसाब से उस डिविडेंड को भी आपने प्योरीफाई करना है ताकि आपका जो रिटर्न आ रहा है उस कंपनी से वो हलाल। सज्जाद साहब क्या मैं एक थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक ऐसा है, आपका काम ऐसा है जिस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। कहते हैं क़यामत के करीब लोग कुछ ऐसे हो जाएंगे कि वो ना करने वाली चीज़ों इस मजहब को अपने मुताबिक चलाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इधर का नाम लेके उधर का नाम लेके ये तरीका करके वो तरीका देके किसी भी तरह से इस्लामिक शरिया कह के सूद को प्रमोट किया? देखिए ये जो सूद है आप बताइए कि हमारे दीन का ये एक मेन जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया गया है, एक बहुत सख्त जो है वो कुरान के अंदर हुक्म है, ठीक है। तो हर मुसलमान को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इससे बचे, ठीक है। ये दीन का है और दीन जो है वो मुकम्मल है, ठीक है ना। दीन में पिक एंड चूज तो नहीं है कि कुरान की आप बाज़ आयतों को माने और बाज़ को आप नहीं माने, तो उसके लिए कुरान ने इतनी सख्त वईद है कुरान मजीद के अंदर कि अफा तो मिनुन विबाद किताब व तकफरुन विबाद फमा जजा मैफल ज़ाल मिनहुम इल्ला खिज़्युन फिल हयात दुनिया व यौमल क़ियामत यरदून अला अशद्दिल अज़ाब व अल्लाह बिगाफिल अम्मा तअमलून। तुम कुरान की बाज़ बातों को मानते हो और बाज़ को नहीं मानते हो, तो देखो तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे, यानी नमाज का अल्लाह का हुक्म हम पढ़ लेते हैं, सूद अल्लाह का हुक्म है कि इसको छोड़ दो, हमने नहीं छोड़ना, तो उनके बारे में कुरान कहता है कि तुम कुरान की बाज़ बातों को मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो, तो तुम में से जो लोग ऐसा करेंगे तो उनको अल्लाह ताला कहता है दुनिया में भी खिज़्युन फ़ैलियात दुनिया में भी जलील करूँगा और आखिरत में अज़ाब होगा, और देखो जो तुम करते हो अल्लाह ताला उसे गाफ़िल नहीं है।
तो सजाद कैसे कन्विंस हुए सूद के आपके कि ये सूद नहीं है, यानी कि कोई ऐसी रीजन दें कि जिसकी वजह से यू आर अ सीएफए हाईएस्ट डिग्री इन फाइनेंस एज वेल, तो आपने तो मतलब दीनी तालीम भी बहुत ज्यादा देख के पढ़ी, आप फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर देखें शरिया स्कॉलर है, बाज़ कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देखें ये भी तो ऐसा ही है, उसकी उसकी वजह ये होती है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। देखिए वेरी गुड, जो इसका एक नॉलेज है, शरिया स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई हैं और वो इस्लाम की जो फाइनेंस के जो उसूल हैं उनके बेसिस के ऊपर कोई चीज़ अगर कंप्लाइंट होती है। देखिए मैं भी बैठ के जब हम ये फंड हम चलाते हैं इस्लामिक फंड के अंदर, हम ये नहीं कर सकते कि मैंने डिसाइड कर लिया ये शरिया कंप्लाइंट है ये नहीं है, हमारे शरिया एडवाइज़र हैं, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो पहले हम उसकी टर्म शीट उसके पूरे डॉक्यूमेंट हम अपने शरिया एडवाइजर को प्रोवाइड करते हैं और उनसे जो जिनकी तालीम इसके मुताबिक जिन्होंने शरिया पढ़ा है फिक पढ़ी है, उसके बाद वो जो कि ICCPIC से अप्रूव्ड होते हैं, जो शरिया जो है डिपार्टमेंट है इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट उनसे अप्रूव्ड होते हैं लिस्ट के ऊपर, उनको हम अपॉइंट करते हैं फंड के शरिया एडवाइज़र, वो इसको देखते हैं उसकी जाँच पड़ताल करते हैं, देखने के बाद कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट इस्लामिक है या नहीं है, देन वी इन्वेस्ट इन दैट इंस्ट्रूमेंट, देन भी हमें वो अलाउ करते हैं और उनकी अप्रूवल सीख करते हैं हम, उसके बाद हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सजाद मुझे लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया, और वो जवाब ये था कि बहस मत करिए, इससे बेहतर है कि पढ़ लीजिए जी बिल्कुल, कि जिनको जिस किसी को भी डाउट है ना वो बजाय इसके कि वो घंटों बहस करे, थोड़ा सा इस्लामी और थोड़ा सा दुनिया के फाइनेंस का इल्म हासिल करके एंड देन सॉर्ट इट आउट बाय हिमसेल्फ। ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी कि भाई नॉलेज लेना, अगर आपको अल्लाह मियां की नॉलेज लेनी है तब भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, और फाइनेंस की नॉलेज लेनी है तब भी आपके पास डॉक्यूमेंट। देखिए ना जब आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह से शरिया स्कॉलर्स हैं, आप बिल्कुल आपको कंसल्ट करना चाहिए, आप उनको उनको बताएं, नॉलेज जो रखते हैं लोग उनसे ही आप एडवाइस लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई लीगल केस होता है आप लॉयर के पास जाते हैं ना, तो इस्लामिक फाइनेंस का भी नॉलेज अल्लाह अच्छी बात है, आप खुद तालीम इसके इसका इल्म हासिल कीजिए, और वरना फिर आप किसी मुस्तनद से राबता करें, मुफ्ती साहब के पास जाएं और उनसे आपने इसके बारे में भी हमें होना चाहिए कंसर्न होना चाहिए, जिस तरह बाकी चीज़ों के बारे में हम एडवाइस लेते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं अपने सेहत के हवाले से, तो हमें अपने मेरा जो कारोबार है उसके मामलात के अंदर भी कोई भी करते हुए हमें ज़रूर जाना चाहिए और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे AWT के बारे में, 2 साल से माशाल्लाह यू आर विद, और मैंने बहुत सुना है कि आपने AWT इन्वेस्टमेंट में बड़ी रेवोल्यूशन लेके आए, व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट दैट इन अ लाइन। देखिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज माय पैशन, व्हेन आई जॉइंड दिस कंपनी अल्लाह का बहुत करम है, टीम अच्छी हमने हायर की। सबसे पहले बताऊँ कि हमने एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी ह्यूमन रिसोर्स होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़बरदस्त टीम हमने हायर की है, पहली चीज़ हमने की। देन ऑब्वियसली एज ए सीईओ यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, तो उस एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। हार्ड वर्क, दो अचीवमेंट जो आपने AWT में इन 2 सालों में, जिसपे अब आपको 2 साल बाद फख्र होता है कि वेल डन सजाद। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फंड्स की परफॉर्मेंस सबसे चीज, देखें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर फंड की परफॉर्मेंस बड़ा मैटर, इज बेसिकली द पैरामीटर टू मेजर। देखें लोग आपके पास क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फॉर द वैल्यू एडिशन, यस, ट्रस्ट, क्या वैल्यू एड करेंगे आप। देखें आम बंदे के पास ये नॉलेज नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे सके, तो वो एक्सपर्ट के पास जाते हैं, और एक्सपर्ट का काम होता है कि आप उनके वैल्यू ऐड करें और जो भी उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव करने के लिए आप उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ हमारे फंड्स आर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहे, माशाल्लाह 24 के अंदर जो हमें 23 के अंदर हमने कंक्लूड किया था हमारे फंड टॉप क्वार्टाइल में थे, यस अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के अंदर हम तो हमारे फंड की परफॉर्मेंस रही है। फिर हमने जो ग्रोथ AUM के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आई है हमारे लास्ट ईयर के अंदर भी, अभी भी हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो अब हमारा जो टारगेट्स हैं इंशाल्लाह कि हम अपनी रेटिंग हमारी कंपनी की इंप्रूव होनी है, हमने AM2 रेटिंग को आई कर रहे हैं वेरी सून इंशाल्लाह, वी आर वर्किंग ऑन दैट। डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने वेब ऐप एंड पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, वी आर आइंग कि इसी मंथ के अंदर हमारा वेब पोर्टल एंड ऐप लॉन्च इंशाल्लाह। तो हमने हमें एक तरफ से इन्वेस्टर के जो सर्विस क्वालिटी है इसको बहुत बेहतर करने के लिए, इससे बहुत बेहतर हो जाएगी, और
फंड के परफॉर्मेंस अच्छी सर्विस क्वालिटी वो मैनिफेस्टेशन होती है कि फंड को ग्रो, तो इंशाल्लाह वी आर ग्रोइंग एंड दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इंशाल्लाह इन द इंडस्ट्री. वेयर डू यू सी AWT इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स डाउन द रोड? देखिए अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इंशाल्लाह जो हमने इसकी रेटिंग, जैसे मैंने कहा है कि इसको हमने AM2 रेटिंग इंशाल्लाह मैं FY24 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे AM2 रेटिंग. ग्रोथ हम चाह रहे हैं कि हम हमारी जो कंपनी है अगले 5 सालों के अंदर वी वांट कि 100 बिलियन प्लस हम क्रॉस करना चाहते हैं इंशाल्लाह. यस और हम ये चाहते हैं कि इस हम देखें एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एक चीज़ में मिस कर गया, वो ये कि हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि दिस इज द टॉप एथिकल कंपनी इन द इंडस्ट्री. जब आप एथिकली काम करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विस क्वालिटी अच्छी देते हैं, ग्रोथ इज द बाय प्रोडक्ट. आई थिंक अब आप सिर्फ फोकस हो ना कि मैंने ग्रो करना है, वो चीज़ नहीं है. हम चाहते हैं कि जो ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो मेट्रिक्स होते हैं, अगर आप उन पे फोकस करते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आप एथिकल सेलिंग करते हैं, आपके लिए हमारा जो कल्चर है इस कंपनी का, दैट इज पुटिंग क्लाइंट फर्स्ट. हमारा कल्चर है, किसी भी मेरी इंप्लाई से पूछें कि हमारा कल्चर पहले कस्टमर, दैट इज पुटिंग क्लाइंट फर्स्ट. हम जो भी हैं यहाँ पर उनके लिए. हमने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंस हो. तो अगर आप अपने क्लाइंट को फर्स्ट रखेंगे, वो ये कल्चर लेके चलेंगे, आपकी AUM की ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयज के जो बेनिफिट्स हैं, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी. लेकिन अगर आपका फोकस है कि हमने जो है ना वो प्रॉफिट बहुत बनाना है, हमने बड़ी कोई AUM को बहुत ग्रोथ करना है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं और क्लाइंट हाई क्वालिटी काम दे. एग्जैक्टली, देखिए ना, वो अगर आप क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा तो ग्रोथ इज अ बाय प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ बाय प्रोडक्ट, आपकी अपनी ग्रोथ, करियर ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉई इज अ बाय प्रोडक्ट. तो मैं आई एम वेरी क्लियर कि आपका जो ये जो कल्चर जो हमने इनकलकेट किया है इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप एथिकली काम खुद करेंगे फ्रॉम द टॉप. अगर कहते हैं ना कि कल्चर इन टोन इज सेट एट द टॉप, अगर आप टॉप लेवल के ऊपर, हमने देखा है कि दीन के लिहाज से भी आप देखें और दुनिया के भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो. अगर आप एप्पल की बात करें तो स्टीव जॉब्स नाम आता है, द वे ही वर्क्स, उसकी उसका हार्ड वर्क, उसका पैशन कंपनी के लिए, ठीक है. इसी तरह अगर आप दीन के लिहाज से देखें तो हमारे सहाबा इकराम, खुल्फाए राशिदीन की एग्जांपल ले लें, तो जब वो उन्होंने अपना काम मजहब समझ के किया, इबादत समझ के. जी एग्जैक्टली, ये आप कहते भी है ना. जी बिल्कुल, देखें आपका काम आपकी इबादत है, जैसे इबादत इबादत है वैसे काम, ये मुझ मैंने आपसे ही सुना था. जी देखें, एग्जैक्टली, देखें हम जो है ऑनेस्ट होना, ये हमें दीन सिखाता है ना, ईमानदारी से काम करें. अगर हम ईमानदार हो जाएंगे, हम बैठ के क्या करेंगे, जो यहाँ मेरा मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ पे जैसे ये रोल दिया है, तो मैं अगर ईमानदारी के साथ काम करूँगा, अपने हार्ड वर्क दूंगा, जो मैंने उसको हलाल करने की कोशिश करूँगा, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज काम करूँगा, रिजल्ट खुद बखुद आएगा. ऐसा हो नहीं सकता कि तरक्की ना आए. अब बहुत छोटे सवाल अबाउट सज्जाद अनवर, क्या दो शौक हैं सज्जाद अनवर के? देखें मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ. अगर अच्छा, ओके, आउट ऑफ द जॉब बात करें तो मुझे स्पोर्ट्स का, मैं पर स्पोर्ट्स के अलावा खेलता भी हूँ, यानी एक्सरसाइज का मुझे शौक है. अच्छा, वेरी गुड. बिल्कुल, मैं टाइम निकालता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ रोजाना जो है ना कुछ एक्सरसाइज करूँ, मॉर्निंग में वॉक करना, रनिंग करना मेरा. क्या स्ट्रेस, डिप्रेशन इन चीजों को जानते हैं? देखें स्ट्रेस तो, देखें जब आप काम भी ऐसा है आपका. जी देखें, अथॉरिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में, आई थिंक स्ट्रेस तो होता है जॉब का, जब आप टॉप लेवल करते हैं परफॉर्मेंस का प्रेशर तो होता है, जब आपने लिया अब आपने बेंचमार्क सेट किए होते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना होता है. स्ट्रेस आपको पॉजिटिव स्ट्रेस लेना भी चाहिए कि मैंने काम करा है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन आप उसको अपने अपने काम उसको प्लान करके और ऑर्गेनाइज करके अपने मेहनत से अगर आप काम करते हैं, फिर आप स्ट्रेस को, मैंने कहा एक्सरसाइज से आप स्ट्रेस को रिलीज. दैट्स हाउ यू, हां, यू स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, आप किताबें पढ़ते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड देन एक और चीज जरूर मेंशन करना, हां जरूर, वो ये है कि जब आप ना नमाज पढ़ते हैं तो इट्स अ, आई थिंक आई विल गिव दिस एडवाइस कि जो स्ट्रेस रिलीज करती है ना, जब आप दुआ करते हैं और जब अपनी चीजों को आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, वाह, आई टेल यू के आपका जो स्ट्रेस इसलिए आता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि ये मेरा आउटकम डिसाइड आती है नहीं. स्ट्रेस कहाँ से आता है? आई एम एंशियस अबाउट द आउटकम. लेकिन अगर आप
आप कहते हैं कि मैंने अपना 100% दिया, अपनी मेहनत भी कर ली, उसके बाद तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने ही उसके अंदर बरकत डाली और रिजल्ट आना है। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे और अल्लाह से की मदद मांगेंगे तो जरूर जो है ना आपका स्ट्रेस चला जाता है। सक्सेस क्या है? देखिए सक्सेस जो है कि डिफरेंट डेफिनेशन होती है लोगों आपके लिए नजदीक सक्सेस क्या है? मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि सक्सेस इन सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अ सक्सेसफुल पर्सन मे बी नॉट सेटिस्फाइड। एक लोगों को कहें कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है बट सेटिस्फाइड है, मैं समझता हूँ कि सक्सेस से ज्यादा मैं सेटिस्फेक्शन पे जाता हूँ। एक इनर सक्सेस होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है, वो अगर एक बंदा है जो कि हार्ड वर्किंग है, जो ऑनेस्ट है, अपने प्रोफेशन के बारे में पैशनेट होता है, तो वो सेटिस्फाइड अगर उसकी ये होगा कि वो अगर मेहनत करेगा तो वो सेटिस्फेक्शन होती है, और सेटिस्फेक्शन जब आएगी तो सक्सेस इंशाल्लाह उसके अंदर पार्ट ही है। व्हाट योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यूथ? नए बच्चे, नए लड़के, नए बच्चियों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं तो बाय पर्सनैलिटी आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं पहले बता दूँ आपको, आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं डूम एंड ग्लूम पे बहुत कुछ लास्ट 7 ईयर, स्पेशली वेन यू आर वर्किंग इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री और उसके अंदर भी जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का बहुत हाई बेटा होता है, इकोनॉमी के साथ इसका बड़ा लिंक होता है। जब इकोनॉमी बुरी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है इसका, यानी ट्वाइस आई वुड से, यानी इसी तरह से जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और मैं चूँकि एक्विटी में इन्वेस्ट करता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर जो है ना, तो वो इनहेरेंटली वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वरना फिर स्टॉक मार्केट में तो हर वक्त हर लोगों को रिस्क नज़र आ रहे होते हैं, फिर तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक ये भी एक चीज़ है, मेरे प्रोफेशन भी कॉम्प्लीमेंट करता है इस चीज़ को, और मैं हमेशा पॉजिटिव साइड पर, देखिए नेगेटिव्स तो नज़र आती हैं आप, मैं जैसे पाकिस्तान के बारे में लोग बड़ा पेसिमिस्ट हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं, इकॉनमी ख़राब हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक देयर आर अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंट्री, ठीक है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी हैं लोग बच्चों को भी, जो यंग प्रोफेशनल हैं जो अभी जॉब मार्केट में इंटर होना चाह रहे हैं, दे आर वेरी कंसर्न कि उनका करियर कैसे चलेगा। कैसे तो चल, मैं आपको श्योर करता हूँ, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि इस मुल्क के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर एक के लिए, हैं ग्रो करने के लिए। हम खुद भी इसी में हमें पिछले 20 साल में ग्रो किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द CEO, आई स्टार्टेड माई करियर इन 2006 इन दिस इंडस्ट्री, एंड मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है टोटल, आई स्टार्टेड माई करियर इन 2023, टोटल आप कह सकते हैं, और इस इंडस्ट्री का तकरीबन 17-18 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर रहते हुए देखें, जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये भी आप बताऊँ, ये वेरी सिंपल कि यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं, देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए जो बिलीव रखते हैं अपने में, जो अपने एबिलिटीज में बिलीव रखते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। आई टेल यू देर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल के अंदर उन्हें ग्रो किया है इन दिस चैलेंजिंग टाइम एज वेल, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने अपने फोकस रहे, हार्ड वर्क किया, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेंट के बारे में बहुत ज़्यादा करेंगे कि जी ये भी मसले हैं, ये भी मसले हैं, और आप कंप्लेंट ज़्यादा करते हैं और मेहनत काम कर, फिर वो चीज़ नहीं अचीव। तो आप इन फोकस हो जाएं, आपने ट्रस्ट करें एबिलिटीज के अंदर, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। सजाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, यू आर सच अ डोज ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। मैं हमेशा अपने शो को क्लोज करती हूँ कि मैंने CEO से क्या सीखा, और आपकी एक लाइन ने मेरा मतलब इज कंक्लूडेड एवरीथिंग, एंड दैट इज कि आपका काम आपकी इबादत है। दैट इज़ सो ऑब्वियस इन यू कि आप अपने काम को वाकई इबादत को समझ के करते हैं, उसमें क्वालिटी क्या, मेहनत क्या, रिसर्च क्या, नॉलेज क्या, हर चीज़ का तड़का लगाते हैं। तो ये मैंने एक आपसे सीखा कि आपके काम आपकी इबादत है। नंबर टू जो मैंने आपसे सीखा, यूजुअली फाइनेंस के लोग इतने कन्विंसिंग पावर के साथ नहीं होते, एंड आई थिंक सो दैट्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन दैट यू हैव गॉट द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड देन यू आर हैविंग अ वेरी गुड कन्विंसिंग पावर बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस यू हैव गॉट। सो एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर यू एंड फॉर AWT टू कन्विंस मोर पीपल फॉर इस्लामी शरिया। सो शुक्रिया आपके इस शो में आने का, और हम AWT की बेतहाशा सक्सेस का इंतजार करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।